Hello fish keepers, I hope you guys are doing well. In this video, we will talk about this 2-foot planted tank that was running without maintenance for 6 months. In 6 months में tank condition, filter की efficiency, water quality, aquatic plants growth and how did the fishes survive, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। बट आखिर इस tank की condition ऐसी क्यों हुई, उसका रीजन वीडियो के एंड में आएगा, तो stay tuned एंड वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही और वीडियोस के सब्सक्राइब करें शिफू टैंक्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कोई भी एक्वेरियम चाहे प्लांटेड हो या नॉन प्लांटेड 6 मंथ्स जितना गैप ना दें। एटलीस्ट बाई वीकली छोटा सा 10 मिनट्स मेंटेनेंस तो कर ही सकते हैं और फुल मेंटेनेंस 1 मंथ में 1 बार एंड फिल्टर को 3 मंथ्स में एटलीस्ट 1 बार तो क्लीन करना ही चाहिए अगर आप बेस्ट टैंक कंडीशन, क्लियर वाटर और हेल्दी फिशेस चाहते हैं तो। वीडियो में जो आप प्लांटेड टैंक देख रहे हैं वैसे तो ये इससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में जा सकता था पर कुछ फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 मंथ में इस टैंक की ना कोई क्लीनिंग हुई, ना ही कोई वाटर चेंज और ना ही कोई फर्टिलाइजर डोजिंग, बस आरओ एंड टैप वाटर से मिक्स्ड टॉप अप हुआ ड्यू टू रैपिड evaporation in the summer season. I was aware कि इस कंडीशन में टैंक जा सकता है इसलिए easy care वाले प्लांट्स ही ऐड किए थे। Aquatic plants that don't need CO2 injection, high intensity light और regular dosing of nutrients. At the very bottom you will see Sagittaria which has grown into the carpet. This is one of my favorite plants because it is less demanding, suitable for hard water and forms good carpet. Unlike Monte Carlo and other carpet plants which require CO2. राइट साइड वाला प्लांट है हिमेनिटिस माइक्रोथीमॉइड्स जो कि काफ़ी बुशी हो चुका था एंड बिकेम अ गुड प्लेस फॉर स्मॉल फिशेस टू हाइड इन। एंड बैकग्राउंड में है क्रिप्टोकोरीन रेट्रोस्पायरलिस रेड जो कि वर्टिकल ग्रोथ की जगह हॉरिजॉन्टल शेप ले चुका है बिकॉज ऑफ द लो एक्वेरियम वाटर लेवल। अदरवाइज दे लुक वेरी गुड एंड प्रोवाइड अ गुड हाइडिंग स्पॉट व्हेन प्लांटेड इन बंच और एक टैंक और नेचुरल कंडीशन वाला लुक भी देते हैं। वैसे तो पूरे टैंक में एल्गी बहुत कम है बट ग्रीन स्पॉट एल्गी या जीएस है थोड़ा बहुत प्लांट्स और एक्वेरियम ग्लास में है। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन अ प्लांटेड टैंक एंड द लाइट दैट आई एम यूजिंग इज अ चाइना मेड न्यू हेलियोस XP 600. इट्स अ चीप 32 वॉट फुल स्पेक्ट्रम लाइट विच इज अ डिसेंट फॉर 60 सेंटीमीटर नॉन CO2 टैंक। लाइट होने की वजह से इस टैंक में ग्रोथ तो है पर उतनी नहीं जितनी 6 मंथ्स में हो सकती है इवन विदाउट CO2। इसका रीज़न ये है कि फर्टिलाइजर डोजिंग लिमिटेड थी जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिले। बाकी लाइटिंग सिर्फ 6 आवर्स अ डे एंड एक्वेरियम से 1 फीट हाइट की डिस्टेंस पर थी टू लोअर द इंटेंसिटी रिजल्टिंग स्लो ग्रोथ एंड फ्यूअर एल्गी इशूज़। टॉकिंग अबाउट द वाटर तो सिर्फ आर ओ वाटर ही ऐड किया गया था इस टैंक में बट 6 मंथ पीरियड में कभी आर ओ तो कभी रनिंग टैप वाटर एज अ टॉपअप ऐड हुआ एंड मेरे घर पर टैप वाटर का TDS इज अराउंड 450 ppm एंड pH इज 8 जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब एक वाटर पैरामीटर टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है वाटर की। उसके लिए मेरे पास है API का फ्रेश वाटर मास्टर टेस्ट किट। तो रिजल्ट आपके सामने है। pH इज अप्रॉक्स 7.4, अमोनिया इज 0 ppm, नाइट्राइट इज ऑल्सो 0 ppm and nitrate is also 0 ppm. बात करें फिल्ट्रेशन की तो I use Sunsun 303B UV canister filter and as per the company water capacity is around 1400 liters per hour. वैसे एकदम एक्यूरेट तो रहता नहीं पर कम से कम 1000 लीटर पर आवर तो होगा ही एंड उस हिसाब से एक 70 लीटर टैंक्स के लिए इट्स मोर देन इनफ। अगर आपके पास भी ये फिल्टर है या लेने की सोच रहे हैं तो हाउ टू क्लीन सनसन 303B फिल्टर वाला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप ये सोच रहे हैं कि ये फिल्टर 2 फीट टैंक के लिए ओवर फिल्टर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक जनरल थंब रूल होता है कि पूरे टैंक का पानी अगर 3 से 4 बार फिल्टर हो जाता है 1 आवर में इन टर्म्स ऑफ पासिंग टू द फिल्टर मीडिया एंड मेंटेनिंग द गुड वाटर फ्लो तो वो बढ़िया फिल्ट्रेशन है। सिर्फ फिल्टर कैपेसिटी के ज़्यादा होने से भी कुछ नहीं होता, उसके साथ चाहिए अच्छा फिल्टर मीडिया सेटअप एंड अप्रोप्रिएट आउटलेट पाइप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टैंक। फिल्टर मीडिया में मैंने यूज़ किया है एक्वेटिक रेमेडीज़ का एक्सफोर्स मीडिया, लावा रॉक एंड सिरेमिक रिंग्स। इसके अलावा बस मैकेनिकल मीडिया और था एंड नो केमिकल फिल्ट्रेशन एट ऑल। एक्वेरियम के वाटर पैरामीटर्स चेक करने से ये तो पता चल गया कि फिल्टर मीडिया ने ज़बरदस्त काम किया है But in the long run, due to lack of maintenance, the filter must have built up a lot of junk, hence the water flow got reduced. Furthermore, glass lily pipe use किया है to circulate the water through the aquarium. Hearts के बीच में है and there was some space left at the background, तो पानी का circulation काफ़ी अच्छा था and there was no dead spot जहाँ पानी रुका हुआ हो. हमने कैनिस्टर फिल्टर और फिल्टर मीडिया की बात तो कर ली, बट एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सबस्ट्रेट एंड हार्ड्सकेप. टैंक को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं बोथ सबस्ट्रेट एंड हार्ड्सकेप में. आपको एक प्रो टिप भी देता हूँ कि जब कोई प्लांटेड टैंक सेटअप करें तो मेक श्योर कि सबस्ट्रेट लेयर जितनी थिक हो उतना अच्छा. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा सैंड से भर दिया. इस केस में तो सैंड में गैस पॉकेट्स बन जाएंगी विच कैन किल योर फिशेस. सैंड भी यूज होती है एज अ बेस लेयर एंड टॉप लेयर इन वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिश यू विश टू कीप. जो एक प्रोफेशनल करे तो बेटर है एंड इफ यू आर अ बिगिनर प्लीज स्टिक टू एक्वेटिक सॉइल एंड पावर सैंड जहाँ तक प्लांटेड टैंक की बात है. इन दिस टैंक देयर इज अ 2 इंच ऑफ एक्वेरियम सॉइल विच इज गुड फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया विच लिव इन एनवायरमेंट्स with little to no oxygen, allowing denitrification to occur and helping filter the water from the substrate. For the same reason, it is recommended never to wash your aquarium and the hardscape all the time at the time of maintenance. आपने किसी प्रोफेशनल या एक्वेरियम हॉबिस्ट को प्लांटेड टैंक या नॉन प्लांटेड टैंक कभी पूरा साफ करते हुए नहीं देखा होगा कि सारा मटेरियल बाहर निकाला, वॉश किया और वापस अरेंज कर दिया, unless it's a rescaping. सिक्स मंथ्स में तो टैंक पूरा एल्गी से कवर्ड हो सकता था एंड बिकॉज ऑफ जीरो मेंटेनेंस ऑल फिशेस कुड हैव डाइड. बट नाउ यू नो कि टैंक कंडीशन काफ़ी स्टेबल थी एंड फिल्ट्रेशन वॉज टॉप नॉच. शायद ऐसा नहीं हो पाता अगर बायोलोड ज़्यादा होता. वीडियो में जो पहले कुछ फिशेस देखी थी जैसे नियॉन टेट्रास, विडो टेट्रास, रैम्स एंड गोरामिस, वो पहले ही किसी और टैंक में मूव कर दी गई थी, अदरवाइज दे ऑल कुड हैव डाइड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. तो फिलहाल टैंक में हैं 4 चेरी बार्ब्स, 4 हार्लेक्विन रास्बोरस, 1 एंजल फिश, 2 ओटोसिंक्लस, 1 गोल्डन एल्गी ईटर और कुछ 10 नेराइट स्नेल्स. टैंक को क्लीन रखने में क्लीन अप रू ने काफ़ी काम किया जिसमें से ऑटोज एंड गोल्डन एल्गी ईटर ने वुड और उस स्टोन को साफ रखा एंड नेराइट स्नेल्स ने जीएसए को कंट्रोल करने के साथ लेफ्ट ओवर फूड पे आराम से गुजारा भी कर लिया. फिल्ट्रेशन वॉज वर्किंग फाइन, ऑलमोस्ट ऑल फिशेज वेयर अलाइव. फिर व्हाट्स द इशू? तो ऐसा है कि 6 मंथ्स के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई ग्लास को साफ करने में बिकॉज जो मिनरल डिपॉजिट हुए थे हार्ड वाटर की वजह से वो इजीली क्लीन नहीं होते. वैसे मार्केट में कुछ क्लीनर्स अवेलेबल हैं विच आई होप टू ट्राई समडे. फिर फिल्टर को साफ करने में अलग टाइम लगा जो कि कचरे से भरा पड़ा था. नेक्स्ट, वाइट स्पॉट्स ऑन स्टोन एंड वुड जो इजीली नहीं निकलते. अब ये हैं नेराइट स्नेल के एग्स जो पूरा विजुअल खराब कर देते हैं. नेराइट स्नेल्स ने काम तो अच्छा किया बट एग्स भी खूब दिए एंड ये ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में ही हैच होते हैं. तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट स्नेल इन्फेस्टेशन अनलाइक रैम्स ऑन स्नेल्स. फिर कार्पेट प्लांट्स होने की वजह से सॉइल के ऊपर भी काफ़ी कचरा था जिसे साफ करना था मुश्किल विदाउट रिमूविंग द प्लांट्स. इवेंचुअली आई हैड टू रीस्केप द टैंक एंड दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल जिसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अगर आप लो टेक प्लांटेड टैंक बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें. अब इस टैंक की कंडीशन ऐसी इसलिए हुई कि आई वेंट टू बेंगलुरु फॉर माई वर्क एंड टैंक है घर में विच इज़ इन भोपाल एंड देयर वाज नो राइट पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ इट. सो व्हेन आई रीस्केप्ड इट आई मेड श्योर टू यूज फ्यूअर प्लांट्स एंड फिशेस एंड डिजाइन द लोटेक टैंक इन अ वे कि वाटर सर्कुलेशन 360 रहे एंड क्लीनिंग भी ईजी हो. तो यहाँ एंड होता है ये वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो शिफू टैंक्स फॉर मोर सच कॉन्टेंट. Take care and I'll see you in the next video.